हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के। मैं आपका दोस्त अनस पठान दोबारा आ गया हूं वीडियो के साथ। सो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उस एक्सपेरिमेंट को एलिफेंट टूथपेस्ट भी बोला जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम कुछ आपको दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट क्या होगा और उसमें एक में कैटलिस्ट ये बनेगा और एक में बनेगा कैटलिस्ट पोटेशियम आयोडाइड। और कैटलिस्ट होता क्या है, जो रिएक्शन को स्पीड मतलब बढ़ने में स्पीड में मदद करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए, एक में हम विम यूज़ करेंगे, एक में ईस्ट। ईस्ट मतलब खमीरा, आप सभी को शायद पता होगा, केक वेक और बहुत चीज़ों में काम आता है। तो सबसे पहले हम करते हैं विम के साथ। तो अब हम डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इसमें अब हम डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड, पर इसमें हम ये नहीं डालेंगे, इसमें हम ईस्ट और गर्म पानी डालेंगे। ईस्ट गर्म पानी के साथ ही रिएक्शन करता है, इसलिए हमें उसके लिए गर्म पानी चाहिए। तो ये हमारा ईस्ट तैयार है। तो अब हम इसमें भी वही सेम बेस बना लेते हैं। सो अभी तक आप देख सकते हैं कि दोनों में नॉर्मली झाग बन रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। पर हम डालेंगे एक में पोटेशियम आयोडाइड और दूसरे में डालेंगे हम ईस्ट। सो आइए देखते हैं क्या होता है। सो ये हमारे दोनों ही चीज़ें इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करेंगी। मतलब साफ आपको सरल भाषा में बताऊं तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करेंगी। तो दोनों में एक साथ डालने की ट्राई करते हैं और देखते हैं। सो एक बार और ट्राई करते हैं, पर इस बार हम सिर्फ ट्राई करेंगे ईस्ट के साथ और इस बॉटल में करते हैं, इसको कर देते हैं हम साइड। सो हमें सबसे पहले डालना है विम, इस बार थोड़ा ज़्यादा विम डालते हैं। इतना बहुत होगा और इस बार फूड कलर भी डाल देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और इस बार ले लेते हैं हम ब्लू फूड कलर। तो अब डालेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, इसको अच्छे से हिला देते हैं। और हमें डालना है ईस्ट, कमी रुकने लगा। तो अब हमें डालना है ईस्ट और देखते हैं रिएक्शन। सो आपने देखा कितना देखने में कितना अच्छा लगा ये। और सबसे मेन बात, मैं इसके नीचे न्यूज़पेपर बिछाना भूल गया तो अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और जो था रिएक्शन वो ईस्ट के साथ जल्दी हो रहा है और हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में हमें आइडियाज़ देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और इसकी सफाई अब मुझे ही करनी है। बाय।